रेलवे विभाग में लगातार चोरी हो रहे सामान को लेकर आरपीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बारदी गैंग सदस्य सहित माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी पकड़ा गया है, जिनके पास से 50,000 से ज्यादा तांबे का वायर पुलिस ने जब्त किया है। रेलवे विभाग को कई दिनों से सामान चोरी होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन आरपीएफ टीम को सूचना मिली थी कि ताजपुर में कबाड़ी अनीस के यहाँ कुलदीप, सुनील और कलाबाई नामक तीन लोग रेलवे से चुराया हुआ तांबा बेचने के लिए आए हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ की टीम ने छापेमार कार्रवाई की तो तीन आरोपी कबाड़ की दुकान पर से चोरी किया हुआ तांबा बेचते हुए पकड़े गए। रेलवे के तीनों सदस्य पारगी गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे और कबाड़ी अनीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों के पास से करीब 90 किलो तांबा जब्त किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पारदी गैंग से कुछ और खुलासे होने की संभावना भी है। आज दिनांक 18/7/19 को हमें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो तीन लोग एक छकड़ा रिक्शा पर कुछ रेलवे का माल लेकर मक्सी रोड के साइड में घूम रहे हैं। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने एक टीम बनाकर उनको ऊपर दबिश दिया तो ताजपुर रोड के पास एक छकड़ा रिक्शा मिला, जो मुखबिर ने सूचना दी थी उसी के हुलिया अनुसार उनका हुलिया था, तो उनको चेक किया गया तो उनके पास रेलवे के ओएचई जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उससे संबंधित 30 किलो रेलवे का लोहा पाया गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फतेहाबाद रेलवे स्टेशन, जो इंदौर फतेहाबाद रूट का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वहाँ पे रखे रेलवे के स्टोर से उन्होंने लोहा चुराया और उसको बेचने के लिए ताजपुर जा रहे थे। फिर उनकी निशानदेही पे हम वहाँ आरोपी से भी गए, जो उन्होंने पूर्व में भी 60 किलो लोहा बेचा था उसको भी जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 90 किलो लोहा, इसकी मार्केट वैल्यू 350 रुपये के हिसाब से 31,500 रुपये होती है, वो जब्त किया गया और इस प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ये लोग मूलतः पारदी समाज से हैं, जिनका पैसा ही चोरी करना है और रेलवे के ट्रैक के किनारे पन्नी बीनने के बहाने ये आते हैं और रेलवे के लोहे को, जो रेलवे के यूज के लिए रखे जाते हैं, उसको भी उठा लेते हैं। उन्होंने अपने बयानों में बताया।